में मेडिकल के लिए ले आया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस केस में अभी तक की। बिल्कुल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई लगातार पूछताछ के बाद 3 से 4 राउंड हर एजेंसियों ने पूछताछ की, लेकिन जैसे ही मामला एनसीबी के पास आया, अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये कार्रवाई नारकोटिक्स मामलों को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है। नशे का सामान यानी जो केस चार्ज लगाए हैं, जो हमें जानकारी मिली है, सेक्शन 20, सेक्शन 27 और सेक्शन 28 का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ड्रग कंजम्पशन, प्रोक्योरमेंट और ड्रग फैसिलिटेशन जो है, यानी जो सबसे आखिरी मसला है, इसी में बात होती है एक जगह से ड्रग लेकर के आगे देना, और उसमें अगर अपने एफआईआर में, सीआईआर में और आगे मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो कहती है रिमांड याचिका में कि इन्होंने ड्रग आगे सुशांत को दिया है, तो यहीं से सेक्शन 120 जो सीबीआई दिखाना चाहती है षड्यंत्र में शामिल होना, उसको मुद्दा मिल जाएगा। और अगर यहीं पर गिरफ्तारी रिमांड मिल जाती है तो जाहिर है फिर सीबीआई का काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एनसीबी के सीआईआर को और रिमांड एप्लीकेशन जिस पर रिमांड मिलेगी उसको दस्तावेज और उसको आधार बनाकर अपनी जांच आगे करेगी कि देखिए इन्होंने फैसिलिटेशन किया था। और यही तो आरोप सुशांत के परिवार ने लगाया था कि स्लो पॉइजन दिया था। स्लो पॉइजन यानी किसी तरह का सीधा जहर नहीं, बल्कि एक आदमी जिसे ड्रग्स नहीं देना चाहिए था उसे ड्रग्स दे करके, तो उस थ्योरी के लिए इसीलिए सीबीआई की भी इस पर पूरी नजर होगी। और जहां तक हम जानते हैं, जस्ट थोड़ी ही देर में जैसे ही रिया चक्रवर्ती को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से निकलेगी, मुंबई पुलिस की गाड़ियां उसे सुरक्षा देते हुए साइन हॉस्पिटल ले जाएंगे। मेडिकल चूंकि एक फॉर्मेलिटी है, और साथ ही एंटीजन टेस्ट यानी कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। हमने ये भी आपको जानकारी दी थी परसों जब पहले दिन बुलाया गया रिया चक्रवर्ती को, कि यहां तीसरी मंजिल पर जहां पूछताछ हो रही है बिल्डिंग में, यहां पर महिलाओं के लिए विशेष लॉकअप भी है, और उस लॉकअप की साफ सफाई, उसको सैनिटाइज भी कर दिया गया था, क्योंकि परसों से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूछताछ में जहां कहीं विरोधाभास उनके बयानों में मिलेगा उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय है। हालांकि कल एनसीबी ने कहा था कि रिया पूछताछ में सहयोग कर रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन बेहद जरूरी था, और पिछले 2 दिनों से क्रॉस एग्जामिनेशन ही हो रहा था। जहां तक हमें जानकारी मिली भी कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में यह भी कहा कि हाँ, उन्होंने मैरिजुआना का इस्तेमाल किया था, और जिस सेक्शन के तहत बयान दर्ज किए जा रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए अदालत में, उस सेक्शन के तहत दर्ज किया गया बयान बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक बार आपको सीधी तस्वीरें, तब तक तमाम दर्शक देखें कि आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर क्या हो रहा है। पिछले 2 दिनों से मुंबई पुलिस ने एक सुरक्षा का बड़ा घेरा बना रखा है, और अब किसी भी क्षण हमें यह भी जानकारी मिली है कि 4 बजे से लेकर 4:10 के बीच में एनसीबी की ओर से गिरफ्तारी के बारे में औपचारिक जानकारी भी दे दी जाएगी, उनके परिवार को भी बताया जाएगा, और जाहिर है उनके वकील को जैसे पता चलेगा हम उनकी तरफ से भी संदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते मुनीश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा खबर के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुनीश बताइए। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको एंट्री गेट की। ये देखिए एनसीबी का एंट्री गेट, वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, साथ में एनसीबी के भी कुछ लोग वहां पर मौजूद है। कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है कि रिया चक्रवर्ती को जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा तो कैसे यहां पर जो भीड़ है, ना सिर्फ मीडिया की बल्कि बाकी भीड़ भी यहां पर मौजूद हो चुकी है। यानी कि लोगों को जब पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने वाली है तो बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, और इसी वजह से यहां पर आप एंट्री गेट जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि काफी हलचल है, और उसके बगल में जो ये व्हाइट कलर की इको गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती को लेकर जाएंगे। मुंबई पुलिस का कॉन्वॉय रहेगा ताकि कोई नजदीक ना आ पाए रिया चक्रवर्ती के। दूसरी मैं आपको अहम जानकारी देता हूं, इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की, वो धारा 8C यानी कि जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई को लेकर, धारा 27A यानी कि ड्रग्स की फैसिलिटेशन को लेकर, और उसके अलावा धारा 29 ऑफ NDPS एक्ट, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इस एक्ट के तहत में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें तीनों जो धाराएं हैं वो काफ़ी गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ ना ड्रग कंजम्पशन को लेकर बात करती हैं बल्कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे इसको लेकर बात करती हैं, आप ड्रग्स को फैसिलिटेट करा रहे थे इनको लेकर बात करती हैं, और कहीं ना कहीं यही चाहता था एनसीबी की पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आ जाएं। और साक्ष्य और सबूत इस मामले में सबसे पहले सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने हमसे ड्रग्स मंगाए थे, हमने उनकी अपने हाथों में पकड़ाया हुआ है। रिया चक्रवर्ती बार बार यही बोलती रही कि मैंने सुशांत के लिए ड्रग्स पकड़वाया हुआ था, लेकिन अगर आप ड्रग्स अपने पास रखते हैं तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं हिंदुस्तान में ये ड्रग्स बैंड है,
ये किसी भी तरीके से अगर कोई भी रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अभी भी देखिए, 3 स्टार जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो मुंबई पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं, 2 3 स्टार ऑफिसर्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, वो एंट्री गेट पर ही हैं। इसी एंट्री गेट से रिया चक्रवर्ती को नीचे लाया जाएगा और उनका मेडिकल कराया जाएगा। कल कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, तो कहीं ना कहीं अपने केस को पुख्ता करने के लिए यहाँ पर जो पूरी की पूरी तैयारी थी एनडीपीएस की, सुबह से आज वो पूरी हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है, किसी भी वक्त उनको मेडिकल के लिए यहाँ पर लेकर जाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है 5 बजे थोड़ी देर में, 10 मिनट के अंदर में, यानी कि 4 बजे के आसपास में एनसीबी के अधिकारी नीचे उतरेंगे और उसके बाद में वो औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इन धाराओं के तहत हो चुकी है। और इन्हीं बंद खिड़कियों के पीछे इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की जो कागजी तैयारी है वो चल रही है। और ये अपने आप में अहम इसके लिए हो जाएगा क्योंकि परिवार ने लगातार आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के ऊपर। शौविक चक्रवर्ती को भी उन्होंने आरोपी बनाया था। शौविक चक्रवर्ती पहले गिरफ्त में आए और उसके बाद आ चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। और ये गिरफ्तारी इसके लिए भी अहम है क्योंकि जो कड़ियाँ हैं और सबूत हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर बात की यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, बल्कि उन्होंने पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत पर की शिकंजा कसा, उसके बाद में शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है। शौविक चक्रवर्ती अपने बयान में खुद अपनी बहन रिया चक्रवर्ती का नाम लेता है और 3 दिन की लंबी पूछताछ के बाद आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 दोनों ही इस वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे।